Please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, sir. नमस्कार, जय हिंद. आप सभी लोगों का ई पाठशाला कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. सर ने बहुत ही अच्छा बताया है कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है COVID-19 के दौरान, तो इस COVID-19 ने जितना हमसे लिया है उसके अलावा हमें बहुत सी ऐसी चीजें भी दी हैं जो इससे पहले हमारे पास में नहीं थी. ये एक मंच इसी वजह से तैयार हुआ है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा मंच सिद्ध होगा आगे जा करके, कि इससे हमने बहुत कुछ पाया है. ये एक जो क्लास का आयोजन किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से, इससे आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में जब लॉकडाउन है या रेंजों में प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल हैं दिमाग के अंदर. और ये भी दिमाग में एक सवाल है कि कंपटीशन जो होने हैं वो ऑन टाइम हो जाएंगे, तो इस दौरान हम क्या करें. तो इन सब चीजों का आप लोगों का ख्याल रखने के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों ही बड़े चिंतित हैं इस चीज के लिए, और इसी ख्याल को रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है. इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको स्टार्ट टू एंड तक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और एक टॉप लेवल की टेक्निक तक, एलीट लेवल की क्लासेस तक आपको लेकर के जाएंगे. पिस्टल के बारे में मैं आपको अगले 5 दिन तक बताऊंगा. सबसे पहले आज के दिन मैं आपको शूटिंग की हिस्ट्री, के बाद में NRAI, साई, इन सब के बारे में बताऊंगा. क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल भी हैं कि लोगों को पता ही नहीं है. इसमें हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता, अखबार में, टीवी में न्यूज देखते हैं कि शूटिंग ने ये मेडल लिया, शूटिंग में वो हुआ, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को नहीं पता है. जिनको पता है उनके लिए ये नॉलेज बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है. सबसे ज्यादा लोगों को ये भी एक दिमाग में रहता है कि ये बहुत महंगा गेम है. तो ऐसा भी कुछ नहीं है. हमारे पास में बहुत ही रूरल एरिया से निकल करके बहुत ही कॉमन फैमिली से लोग आकर के बहुत टॉप लेवल तक वर्ल्ड कप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम लेवल के मेडल्स लेके आए हैं. तो इतना महंगा भी नहीं है जितना इसका एक फोबिया फैला दिया गया या अपने आप फैल गया है. तो यही हमारा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड की जाए. और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, NRAI कर रहा है. तो सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज के अंदर हम जब इंटर हो जाते हैं तो उसकी पूरी संरचना को जान लेना जरूरी हो जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं शूटिंग की संरचना कहाँ से हुई, शूटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई. तो अगर ज्यादा हम पीछे जाएं तो हमारे बहुत से शास्त्रों के अंदर करीबन 5000 साल पहले भी इस विद्या का जिक्र मिलता है. उस समय बारूद नहीं होता था, धनुष होते थे. भगवान शिव ने भी धनुष चलाए हैं, भगवान परशुराम जी भी, भगवान राम ने भी. उसके बाद महाभारत हुआ, महाभारत में भी मतलब निशानेबाजी का इस्तेमाल हुआ है. निशानेबाजी आज हम शूटिंग के नाम से जानते हैं, मगर निशाना तो निशाना होता है, किसी भी चीज से लगाएं. तो जब पुराने ग्रंथों से हमें इस चीज के बारे में मिलता है कि निशाना कैसे लगाया जाए, तो हम वो नॉलेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं. निशाना किसी भी चीज से लगाया जाए, चाहे वो हथियार है, चाहे वो कोई कैनन है, चाहे वो तीर है. निशाना लगाने की विद्याएं लगभग एक जैसी है, तरीके अलग हो सकते हैं, विद्या एक ही है. तो हम उनका भी हवाला लेंगे और उसके बाद हम जब इस आज वर्तमान में जो शूटिंग हमारे यहाँ पे चल अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, इतने अच्छे गन हैं, इतनी एक्यूरेसी वाले बुलेट्स हैं और इतना प्रिसीजन हम इस चीज के अंदर चले गए हैं इतना डीपली, कि इस चीज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ. तो सबसे पहले जब हम इतिहास की बात करते हैं, शुरू करते हैं, तो 11वीं सदी के अंदर बारूद का आविष्कार हुआ था चाइना के अंदर. वहां से चाइना में, जब चाइना के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण किया है, तो उसके बाद मंगोलियंस ने चाइनीज से ये विद्या सीखी है बारूद बनाने की. और अलग अलग देशों के अंदर बारूद गया. पहले ये तोपों के अंदर इस्तेमाल होता था, जो तोपखाने होते थे किसी भी सेना के. उसके बाद में इंडिया के अंदर ये बारूद या तोप कब आई, तो 1526 में जब बाबर ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था, उस वक्त उसने तोपों का इस्तेमाल किया. और जैसा कि हम सब जानते हैं इस चीज को कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है. हम लोग हमारे युद्धों के भी एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, सिद्धांत होते थे कि शाम को सूर्यास्त हो गया तो युद्ध नहीं लड़े जाएंगे, घायल पे वार नहीं करेंगे, निहत्ते पे वार नहीं करेंगे. तो वैसे ही बड़े उच्च मानदंडों के साथ जब बाबर ने आक्रमण किया और उसके बाद जब भारत को
काफी विनाश का सामना करना पड़ा इस बारूद की वजह से। तब हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने जो राजे महाराजे रजवाड़े थे उन्होंने बारूद खरीदना शुरू किया, तोपें मिलाए और यह सब चीजें जो है डेवलप होती गई। उसके बाद में धीरे धीरे आविष्कार, जैसे कि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता पड़ने लगी इन चीजों की कि भाई छोटी तोप बनाई जाए, तो छोटी तोपे आने लगी कि हाथ में उठा के चला जा सके। उसके बाद बंदूक का आविष्कार हुआ, तो बंदूक आ गई, फिर बंदूकें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, जैसे आप पहला जो बना था वो कमरे की दीवार हुआ बिल्कुल बहुत बड़ा होता। पहले जो स्टार्टिंग में बंदूक बनी थी वो भी करीबन 12 फुट की बनी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे ये चीज छोटी होती गई और इसको बड़े ही साइंटिफिक ढंग से डेवलप किया गया साइंस के द्वारा और बहुत ही अच्छे लेवल पे आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे पास में एकदम सटीक एक्यूरेसी वाले हैं हथियार हैं, एम्युनिशंस हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स भी ऐसे हैं कि किसी भी कागज पे गोली चलाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटराइज्ड एक सेंसर के ऊपर गोली चलाओ और आपको दिखा देता है कि गोली कहाँ पे लगी है। तो इन सब का कारण यही है कि हम साइंस ने प्रोग्रेस की है और हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा वो किया है। तो क्यों आई है नहीं, शूटिंग जो इस लेवल के ऊपर आ गई है वो किस वजह से आई है, कहां से आई है? तो सबसे पहले जब पहले निशानेबाजी का और इन चीजों का जो इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था युद्धों के लिए, बारूद का जो इस्तेमाल हुआ, बंदूकों का इस्तेमाल युद्ध के लिए या फिर शिकार के लिए। तो उसके बाद में 1907 के अंदर UIT बनी, जब इसका खेलों के लिए, खेलों का आयोजन पहले भी होता था लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं था, जिस मंच के माध्यम से जो इसका खेलों का फिर आयोजन निशानेबाजी की कोई शिकार खेल करके किया जाता या कोई और दूसरे तरीके से किया जाता था। लेकिन उसके 1907 में जब UIT बनी तो UIT ने क्या किया कि पूरे विश्व के लिए अलग अलग देशों को इस चीज का पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशन भेजा गया, पूरे कानून बने कि कौन सा गेम किस तरीके से होगा, कितनी गोली चलेंगी, कितना टाइम लगेगा, हथियार कैसा हो सकता है, उसके अंदर बारूद कितना हो सकता है, उस गोली की स्पीड कितनी हो सकती है। ये सब चीजों को पूरा एक ढांचे में डाल करके UIT ने पूरे विश्व के अंदर भेजा गया और फिर हर एक देश के अंदर अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। UIT बनने के बाद में कई बार इसका मतलब उतार चढ़ाव का दौर देखना पड़ा UIT को भी 1907 से लेके 1998 तक। 1998 में इसका एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म और बढ़िया सटीक तरीके से ये बन करके सामने आया हमारे सामने, ISSF के नाम से, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम से। तो 1907 में जब ISSF बन गया तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी तरफ से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको ऑब्जर्व करता है और मान्यता देता है और इस चीज को इंश्योर करता है कि जो ISSF करवा रहा है वो सही तरीके से गेम हो रहे हैं, सभी इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसके अंदर आपसी प्रेम भावचारा और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, सब सही तरीके से चल रहा है, इसको इंश्योर किया गया 1907 में बन करके। नेशनल फेडरेशन की थी, हर एक देश के अंदर भी एक ऐसा फेडरेशन हो जो ISSF से जुड़े और अपने देश के अंदर इस शूटिंग के जो एक गेम है, एक विद्या है, एक कला है, इसको थोड़ा सा उठाया जाए और एक संरचना में ढाला जाए और वो पार्टिसिपेंट्स हर एक कंट्री के वहां जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन खेल सके। आज जो भी हम कंपटीशन खेल रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे एशियन गेम है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम है, चाहे ओलंपिक है, वो हम इसी की वजह से खेल पा रहे हैं कि ये संरचनाएं बनी उस टाइम पे, ये नहीं बनती तो शायद आज कोई इंटरनेशनल भी नहीं होता। तो ये बनने के बाद में नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन हुआ 1951 के अंदर। तो आजाद भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान जीवी मावलंकर साहब, वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे और नेशनल राइफल एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर रहे और NRAI का जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है इसका गठन हो गया 1951 के अंदर। इसके बाद में काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े आदरणीय लोगों ने, सम्माननीय लोगों ने इसके प्रेसिडेंट के पदभार संभाला है। उसके बाद में
उसके बाद में श्री गोविंद वल्लभ पंत साहब, उन्होंने भी नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला है। वाई बी चौहान साहब, लाल बहादुर शास्त्री जी, काफी बड़े बड़े लोगों ने नेशनल राइफल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया है। और प्रेजेंटली जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं श्री रणिंदर सिंह जी, वो भी, ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि वो खुद बहुत अच्छे स्किल्ड शॉटगन के शूटर रहे हैं और पटियाला रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो पटियाला के अंदर भी बहुत बड़ी एक शूटिंग रेंज है, वो भी उन्हीं की देन है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इंटरनेशनल भी काफी सारे आयोजन वहाँ हो चुके हैं, तो वो वहाँ पे रेंज बनी है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर का वहाँ पे। और इसके बाद में जब आयोजन नेशनल के चलते रहे, 1952 के अंदर पहला नेशनल चैंपियनशिप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया दिल्ली के अंदर, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे, लोग जुड़े काफी और सभी लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने लग गया कि शूटिंग को कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन के माध्यम से ये शूटिंग का जो एक अच्छी संरचना है वो सब निकल करके हमारे सामने आई। उसके बाद 1991 के अंदर अहमदाबाद के अंदर पहला एक कॉम्पिटिशन करवाया गया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के नाम से, जिसको आज हम लोग प्री नेशनल के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्री नेशनल है, इसी का जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप नाम दिया गया है, जो कि हर साल होती है। इस कंपटीशन की एक खासियत है कि नेशनल खेलने से पहले आपको ये कंपटीशन के अंदर एक निश्चित मानदंड तय किया गया है, जिससे कि आपको उतना स्कोर क्वालिफाई करके और आप नेशनल खेल सकते हैं। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू अगर नेशनल में क्वालिफाई करते जा रहे हैं तो दोबारा खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो साल कंटिन्यू अगर आप क्वालिफाई नहीं करा पाए तो फिर वापस आपको जीवी मावलंकर आगे बढ़ना पड़ता है। के बाद में पहला इंटर स्कूल, जब स्कूल लेवल पे आज हमारे पास में काफी सारे स्कूल के कॉम्पिटिशन आते हैं SGFI के नाम से जो जाना जाता है, तो ये जो पहला इंटर स्कूल स्टार्ट किया गया था, पहला हरिद्वार में 1997 के अंदर इंटर स्कूल चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल हमारी टीम गई थी 1951 बिस्ली के अंदर इंग्लैंड के अंदर, तो वो भी इसी NRAI की देन है कि ये संस्था खड़ी हुई और उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम भेज पाए थे। पहला जो ओलंपिक हुआ था पार्टिसिपेशन, वो 15वें ओलंपिक के अंदर 1952 के अंदर डॉक्टर हरिहर बनर्जी साहब ने किया था, फिनलैंड के अंदर ये हुआ था। उन्होंने राइफल के 3 पोजिशन और थ्रोन इवेंट के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि बहुत अच्छे पुराने और कई सालों तक उन्होंने शूटिंग को आगे बढ़ाया है। पहला ओलंपिक 1898 के अंदर पहला ओलंपिक होता है एथेंस ग्रीस के अंदर। ओलंपिक काफी पहले हो गए थे लेकिन ये संस्थाएं जो बनी है वो बाद में बनी है। पहला मेडल जो वर्ल्ड कप के अंदर आया था, ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी ने 1962 के अंदर पहला मेडल लिया था और कायरो इजिप्ट के अंदर। और वॉल्यूम बनी हुई है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। 2004 के अंदर यही श्रृंखला आगे बढ़ते बढ़ते डबल ट्रैप इवेंट के अंदर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जब एथेंस ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल लिया, तो इस देश के शूटिंग जगत को एक बहुत बड़ा मतलब बूस्टअप मिला उस टाइम पे। उसके बाद हम ये मानते हैं कि लोगों का ध्यान शूटिंग गेम की तरफ जाने लगा और आज हम जितने पॉपुलरिटी के ऊपर और जितना प्रोटेक्शन के साथ में जितना ऊपर खड़े हुए हैं, वो इसी की वजह से खड़े हुए हैं कि हमने ओलंपिक मेडल्स की शुरुआत कर दी थी। ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच होता है खिलाड़ी के लिए, जहाँ से हम मतलब एक हायर लेवल कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल है किसी भी गेम का। और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि पहला ओलंपिक 1896 के अंदर ग्रीस एथेंस में हुआ और हमने भी पहला मेडल 2004 में जो लिया था वो भी एथेंस ग्रीस के अंदर ही लिया। ये भी एक अच्छा संयोग है हमारे लिए। पहला जो अर्जुन अवार्ड है वो 1962 के अंदर महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी को मिला था। अर्जुन अवार्ड भी खेल जगत के अंदर सर्वोच्च खेल पुरस्कार हम कह सकते हैं कि किसी भी खिलाड़ी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी भी खिलाड़ियों को अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन पद्म भूषण और ये सब जो दूसरे अवार्ड हैं वो एक कलाकार दूसरा भी ले सकता है कि फिल्म का हीरो भी ले सकता है, लेकिन अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी के लिए एक सबसे अहम एक अवार्ड है, एक सम्मान है।
पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल, उसके बाद में जब 2004 के अंदर एथेंस में हमने शॉटगन के अंदर मेडल ले लिया, तो सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद गोल्ड मेडल की शुरुआत होती है बीजिंग चाइना से। डॉक्टर अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल, जिस रेंज में हम खड़े हैं ये भी 10 मीटर एयर राइफल रेंज है, इसी के अंदर गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए कि हम आगे बढ़ते जा रहे थे, सिल्वर से शुरुआत की फिर गोल्ड पे आगे हम। और उसके बाद क्रमशः हम चलते हुए जब 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक की बारी आई तो हमने एक साथ दो मेडल निकाले, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर कैप्टन विजय कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया, और डॉक्टर गगन नारंग इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया। अभी तक 4 मेडल्स हम लोगों ने इसके अंदर शूटिंग इवेंट के अंदर ले चुके हैं। इसके बाद शुरुआत हो जाती है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी डॉक्टर अभिनव बिंद्रा को 2001 के अंदर मिला है। उसके बाद पद्मश्री, पहला पद्मश्री जो शूटिंग को मिला था वो जसपाल राणा जी की तरफ से राणा जी को मिला था 2001 के अंदर। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि एक अहम अवार्ड है अपने आप के अंदर, तो वो प्रोफेसर सनी थॉमस सर उनको मिला था 2001 के अंदर ही, और मैं कई साल उनके साथ में रहा हूं, उनकी कमांड देखी है टीम के ऊपर, करीब 22 साल तक वो इंडिया टीम के कोच रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे कोच हमें मिलते रहे हैं जिन लोगों ने इस शूटिंग को आगे बढ़ाने में और प्रेरणा देने में हर चीज के अंदर अपना मतलब बेस्ट योगदान दिया है उन लोगों ने। पहला एशियन गेम जब हुआ था 1974 के अंदर, महाराजा करणी सिंह जी ने भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया था, भारत का जो जिस एशियन गेम में हम लोगों ने इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था तेहरान ईरान के अंदर, और पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जो पहला वर्ल्ड चैंपियन बना इंडिया का 2006 के अंदर डॉक्टर अभिनव बिंद्रा, जैग्रेब क्रोएशिया के अंदर ये हुई थी। तो 2006 के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है अपने आप में। एशियन गेम के अंदर गोल्ड मेडल श्रीमान रणधीर सिंह जी ने 1978 के अंदर लिया था। और कॉमनवेल्थ गेम जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है खेलों का और हिंदुस्तान के लिए, तो इसके अंदर श्री अशोक पंडित जी ने 1978 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था, न्यूजीलैंड में ये हुए थे। तो इस प्रकार हमारी जो शूटिंग की हिस्ट्री है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है और खेलों का आयोजन इसी प्रकार से होता गया। उसके बाद बात आ जाती है कि हम आज जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो इतनी सारी सुविधाएं हैं खेल के लिए, इतना जो भविष्य खेलों के अंदर लोगों का बना है, इतनी पब्लिसिटी हमने पाई है विश्व के ऊपर, विश्व स्तर के ऊपर हम लोगों ने जो इतना नाम कमाया है वो किस वजह से हो पाया, तो इसके लिए हम 1982 का जो साल है उसको बहुत बड़ा एक योगदान मानते हैं और ये बहुत ही बड़ा दिन मानते हैं देश के लिए, हम सब लोगों के लिए, जितने भी हमारे परिवार हैं खेलों से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए। 1982 में क्या हुआ था कि दिल्ली के अंदर एशियन गेमों का आयोजन किया गया था। 1982 के अंदर जब एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, भारत ने मेजबानी की, बहुत अच्छे खेल संपन्न हो गए, सब लोग चले गए। उसके बाद भारत सरकार के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जितने स्टेडियम और खेल मैदान जो ग्राउंड हम लोगों ने बनाए हैं, अब इनका क्या किया जाए और इनकी कौन मेंटेनेंस करे, कैसे इसका इसका यूज किया जाए, कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए, किसके हाथ में दिया जाए। तो तब जाकर के 25 जनवरी 1984 को एक और संस्था का गठन किया गया जिसको हम आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो भी वर्तमान में भारत सरकार के जो खेल मंत्री है युवा मामले एवं खेल विभाग के, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल साहब हैं जो कि श्री संदीप प्रधान साहब हैं, जो अभी वो भी खेलों में काफी रुचि रखते हैं, इंडिविजुअली एक एक चीज को इंश्योर करते हैं कि सभी खेलों में खिलाड़ियों को कोई कमी ना हो, सारी सुविधाएं उनको रहे, खिलाड़ी का एकदम से पूरा मोराल बूस्टअप करना या उनको सारी चीजें मुहैया कराना, हर चीज को इंश्योर करना, पर्सनली इतना इंटरेस्ट रखते हैं खेलों के अंदर कि ये भी हमारा एक सौभाग्य ही है। तो जब 1984 के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हो चुका था तो इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये सब चीजें तय किए गए कि क्या क्या काम करें। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये जो चीजें अभी बताने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग अभी स्पोर्ट्स में आने वाले हैं काफी लोगों के ये सवाल रहते हैं
कि गेम कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या उम्र है, इसमें क्या फ्यूचर है, सारे तरह के सवाल होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई सारी संस्थाएं, कई सारे मंच जो है वो तैयार किए हैं किसी भी गेम के लिए। मतलब लगभग 23 खेल हैं हमारे पास में, जिनके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के ग्राउंड बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी एकेडमीज बनी हुई हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के सिंथेटिक मैदान भी हैं उसके अंदर। तो ये सब इनका मतलब निर्माण भी किया गया, जो पुराने बने हुए थे उनका पूरा संचय किया गया और आगे मेंटेन भी किया गया इसी चीज को। बहुत सी जगह पे हॉस्टल्स बने हुए हैं जहाँ पे खिलाड़ियों को रहने की भी सुविधा है, उसके बाद में रहने की, खाने की, ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट की, सब कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है वहां पे। नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स पटियाला, ये भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही देन है, जिसका मतलब काफी लोगों ने फायदा उठाया। वहां से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी आगे जाकर के विश्व स्तर के ऊपर भारत के लिए मेडल लेके आए हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNCP 1995 के अंदर, ग्वालियर के अंदर, एक त्रिवेंद्रम के अंदर भी बहुत बड़ा इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद ये श्रृंखला आगे बढ़ती गई और साइक के काफी काम आगे बढ़ने लगे कि क्या क्या काम किए जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे कि एक टैलेंट की पहचान करना ग्रास रूट के ऊपर, रूरल एरिया के अंदर कहीं भी टैलेंट दिखे, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन करवाना, स्टेट गवर्नमेंट्स को जोड़ना, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन करवाना, और वहां जो अच्छे प्रदर्शन जिन खिलाड़ियों ने किया है, जिन लोगों ने मेडल लिया है, उनको साई हॉस्टल्स में एडमिशन मिलता है। और एडमिशन की भी कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, उनकी हाइट देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, उनकी स्किल देखी जाती है, ये नॉर्मल सी चीजें देख करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हॉस्टल्स हैं उसके अंदर एडमिशन आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपका आगे का ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया जाता है, एजुकेशन भी आपकी वहीं पे होती है, पूरा का पूरा खर्चा या पूरी की पूरी जिम्मेदारी यूं कहें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेती है। अगर कोई भी खिलाड़ी थोड़ा सा भी अच्छा करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अपने आप को प्रूव करना शुरू करता है, तो एक तरह से ये मानिए कि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस बच्चे को गोद ले लेती है और पूरी जिम्मेदारी उसकी निभाती है। इसके अलावा यहीं तक ये चीजें सीमित नहीं हो जाती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऐसी भी कई स्कीम्स हैं जिसके अंदर अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो जाता है, पुराना होकर के जब रिटायर हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उसको पेंशन देने का काम भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। कंपटीशन के दौरान मेडल लिए तो उसको इंसेंटिव देने का भी काम किया जाता है, उसको जॉब देने का भी काम किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी बीमार है तो उसको मेडिकली लाभ भी दिया जाता है। कोई अगर मेडलिस्ट आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तब उसके लिए भी ऐसी स्कीम है कि उसको भी आर्थिक मदद की जाती है। हर चीज के लिए मतलब खिलाड़ी का हर तरह से वो किया गया है, संचय किया गया है इसके अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके बाद में एक और भी बड़ी चीज है कि जो BSC के नाम से हम लोग जानते हैं, मेरे सामने मैं करीब 40 बच्चों को जानता हूं जिन्होंने जो BSC के अंदर थे, BSC यानी कि बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, ये कि आर्मी के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही है, जिससे भी काफी अच्छे अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार हुए हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो BSC का भी, BSC बनने के ऊपर और BSC को चलाने के अंदर आर्मी के साथ साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहाँ पे लगभग 12 साल से बच्चे का एडमिशन हो जाता है नॉर्मल यही क्राइटेरियाज के साथ में। 17.5 साल तक वो जब गेम करता रहेगा कंटिन्यू, 17.5 साल के बाद में उसको आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके पूरे मापदंड तय किए गए हैं कि 17.5 साल एज होने के बाद में अगर वो चाहता है तो पूरे तरीके से आर्मी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद हम एक नजर डालना चाहेंगे कि हमारे अचीवमेंट्स के बारे में, जो रिसेंटली अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में। कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर पूरे देश के अंदर शूटिंग पहले नंबर पे रहा था, मेडल की जो टैली थी उसके अंदर 7 गोल्ड 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, टोटल 16 मेडल्स शूटिंग ने लिए थे। उसके बाद एशियन गेम की बारी आ जाती है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, क्रमशः 2 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ में 9 मेडल्स लिए थे, दूसरे स्थान पे था ओवरऑल शूटिंग गेम। उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स में क्रमशः 1-1 मेडल लिया तीनों ही कैटेगरीज के अंदर, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के अंदर, और 7वें नंबर पे था।
यूथ ओलंपिक जो कि अर्जेंटीना के अंदर हुए थे, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए। और ओलंपिक के जो मेडल्स हैं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ लोग जो ये सवाल करते हैं कि क्या फ्यूचर है हमारे लिए और हम क्या अर्निंग करेंगे, क्या जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शूटिंग को एज ए प्रोफेशन लें कि नहीं लें गेम को, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा ओलंपिक के अंदर जो मेडल्स लिया जाता है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, क्रमशः 75, 50 और 30 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलते हैं। एशियन गेम में 30, 20 और 10 लाख रुपए क्रमशः गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के लिए दिए जाते हैं, और यही सेम पैरा जो एथलीट है उनके लिए, और यही कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है या फिर इसके अंदर आप लोगों को किसी चीज की कमी आएगी, या जो आज से पहले एक ये कहावत चला करती थी पुराने जमाने में कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रयासों की वजह से और नेशनल राइफल एसोसिएशन की मदद से आज हम ये कह सकते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो खराब नहीं होगे, खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनोगे। और इस चीज का आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण देश के अंदर है कि एक छोटे से लेवल से निकल करके आने के बाद में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस इस गेम के अंदर दिया है, और बहुत ही तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो है वो खिलाड़ियों का रहा है इसके अंदर। और अभी मेरी तरफ से ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, और आगे की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय के अभाव में मैं अभी चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस है, कि किसी का कोई भी किसी भी तरह का सवाल है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आपका जवाब दूंगा। तो आपके सभी क्वेश्चंस आमंत्रित हैं। अभी विक्रम चोपड़ा सर, डायरेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो संभालें और जो भी क्वेश्चन हो मुझे बताएं।